तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट द लिप्स। इसके अंदर देखेंगे लिप्स के एनाटॉमी के बारे में, कैसे बनते हैं, किस मेथड से बन पाते हैं, कौन से फॉर्मूले से हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फेस में लिप्स की जगह कहाँ पे है। तो वही अपने जिस हिसाब से पहले पार्ट में सीखा था कि फेस की एनाटॉमी क्या रहती है, एक राउंड सर्किल ये बना लिया मैंने। अभी इसमें एक हाफ लाइन, ऊपर की 1 2 3 और नीचे 1 2 3 और उसके नीचे एक लिप्स की जगह रहती है। ये तो राउंड सर्किल के नीचे का हिस्सा है, ये नोज़ की रहती है, ये आइज़ की लाइन होती है, ये आईब्रो की, आइज़ की। तो ये रह गए लिप्स। और ये जो नोज और चिन, नोज टू चिन जो लाइन होती है, नोज और चिन, उसके मिडिल एक लाइन आएगी, उसमें लिप्स का निचला हिस्सा आएगा हमेशा। इस चीज़ को आप ध्यान रखें, इस चीज़ को नोट कर लो आप कि नोज और चिन के मिडिल में जो लाइन आएगी वो लिप्स की नीचे वाली लाइन होगी। तो और एक दूसरा फॉर्मूला है कि टू आइज बराबर वन लिप्स, दो आँख के बराबर एक लिप्स होगा। जैसे मान लो ये टू आईज हैं तो ये इस हिसाब से इनके बराबर एक लिप्स होगा। और अभी देखते हैं कि आता कैसे है। जैसे कि ये आईज है, ये मान लो मैंने सेंट्राइज कर लिया और ये बीच में नोज़ की लाइन कर ली और ये लिप्स की कर ली एंड ये चिन की लाइन। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि जो आइज जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ से तो होता है नोज, उस एरिया में आता है, और जो आइज़ की मिडिल लाइन है, आइज़ के दोनों का सेंटर है लिप्स, हम कभी भी उससे बाहर नहीं जाएंगे, उसके अंदर अंदर रहेंगे। अब इस चीज़ को भी ध्यान रखें, इससे आपकी एनाटॉमी हमेशा परफेक्ट रहेगी। पेंसिल को पता नहीं कितनी डार्क है। तो अभी देखते हैं लिप्स का, जिस हिसाब से हमने पिछले पार्ट में आइज़ का देखा था, आइज़ के अंदर वही अभी इस लिप्स के अंदर आएगा। जिस हिसाब से आइज़ धीरे धीरे एक साइड से कम हो रही थी, दूसरे साइड से ज़्यादा हो रही थी, उसी प्रकार लिप्स होगा। सो देखते हैं फर्स्ट फ्रंट व्यू का, इसका लिप्स का फ्रंट व्यू। ऐसा ही तो पेंसिल ज़्यादा डार्क कर रही, कॉन्टा पेन चूज़ कर रहा था, अभी मैं जनरल कर रहा हूँ। सो सबसे पहले फ्रंट के लिप्स के बारे में बात करते हैं। तो एक मैंने ये कर लिया एंड एक ये कर लिया। तो सबसे पहले मिडिल का लाइन कर लेते हैं, पीछे से बीच में से थोड़ा सा ऐसा होगा, एक बीच की हमेशा लाइन निकाल लेनी चाहिए जिससे कि ऊपर नीचे ना हो, एंड इस हिसाब से ये आगे ऊपर की एंड नीचे के लिप्स। ऊपर वाले से थोड़े कम भी हो सकते हैं, थोड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं, वो बंदे की फेस एनाटॉमी पे डिपेंड करता है। और जो नीचे का लाइन है उसको कभी भी आप कंप्लीट ना निकाले, अगर निकालो तो भी ऊपर की लाइन है उससे अंदर अंदर आएगी, कभी उसके बराबर नहीं आएगी। और अगर लाइट साइड की बात करें तो शेडिंग हमेशा लिप्स के ऊपर वाले हिस्से में आएगी, और नीचे अगर बात करें नीचे वाले लिप्स में तो यहाँ आएगी, उसके बाद लिप्स के जस्ट नीचे भी आएगी एंड लिप्स के जस्ट ऊपर भी आएगी। तो ये रह गया फ्रंट का। अभी थोड़ा साइड से देखते हैं, तो वही है, पहले आप इस तरह से करें बीच में से, और अभी ये किया। सो अभी थोड़ा सा मान लो बंदे ने इधर उधर देख रखा है, वही है सारी चीज़ें, जिस हिसाब से ये कम होता जाएगा ये वाला पार्ट लंबा होता जाएगा। ये हो गया थोड़ा साइड से, एंड इसको अभी इससे थोड़ा और ज़्यादा देखते हैं। तो वही है, ये भी जैसे जैसे घूमता जाएगा ये लाइनें ज़्यादा डीप होती जाएगी, जैसे फ्रंट का है तो ये हमेशा सामने से कम रहेगा। सो और ये घूमेगा इस हिसाब से, हो गया एंड
आप इन लाइनों को कंप्लीट ना करें तो भी चलेगा। अभी लमसम जो साइड का व्यू है उसके तकरीबन आ जाते, बस बिल्कुल थोड़ा सा मान लो तो ये साइड के करीब है, एकदम पास में। अभी अब देखते हैं हम लोग एकदम साइड का, तो एकदम साइड का जिस हिसाब से आइज का था कि आइज एक सेंटर लाइन में नहीं आती, इस टाइप से सीधी सीधी नहीं आएगी, उसी प्रकार से लिप्स का भी यही रहेगा कि लिप्स हमेशा बराबर लाइन में नहीं आएंगे, कि दोनों ऊपर वाला भी इसी लाइन में और नीचे वाला भी इसी लाइन में, कभी नहीं। जिस हिसाब से आइज ऊपर वाली थोड़ी आगे थी और पीछे वाली थी, उसी हिसाब से पीछे वाली बैक थी, उसी हिसाब से लिप्स का रहेगा। सो हम लोग देखते हैं कि उसका ऊपर वाला हिस्सा है और ये नीचे वाला थोड़ा सा बैक आएगा इसका, जस्ट इसके नीचे वाला। ये हो गया इसका बराबर साइड है गोल्स। सो एक ये रह गया, अभी एक फॉर्मूला इस पे अगर वर्क करता है उसको देख ले लाइट साइड के लिए, एल डी फोर, एल का हो गया लाइट, डी का हो गया डार्क। ये एल डी फोर कैसे काम करता है, अब इसके लिए आपको फोर टाइम एल है, फोर टाइम डी है, एंड ये कैसे अप्लाई करते हैं इसको देखते हैं। ये एक्चुअली कुछ अजीब है, लाइट डार्क के लिए है सिर्फ और कुछ नहीं है। तो इसके लिए जिप जैक करना अपने को, ये ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ये चार बार, चार ऐसे करना है, चार ऐसे करना, आठ, ये टोटल चार ये हो जाएगा, चार ये हो जाएगा। सो ये हो गया, अब इसमें एक ये कर दो और इसको, ये पोर्शन लाइट हो गया, ये पोर्शन डार्क हो गया एक बार, अभी दूसरे में ये लाइट हो गया, इसमें था ये लाइट, ये डार्क, ये लिप्स का नीचे वाला हिस्सा है। तो इसके बाद ये लाइट, ये डार्क, ये लाइट, ये डार्क, ये एक्चुअली थोड़ा इस हिसाब से मैंने ज़्यादा आगे लिया है। तो ये फेस का एक बन जाता है, ये नोज है, ये लिप्स है, लिप्स का नीचे वाला हिस्सा है, चूँकि ऐसे होगा। ये मैंने सिर्फ आपको एक फॉर्मूले के बेस पे बताया है, ये परफेक्ट एनाटॉमी नहीं है, और आप इसके मैंने सिर्फ बताया है कि आपको लाइट और डार्क को कहाँ पे अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना। अभी देखते हैं, ये तो हो गया फ्रंट का और साइड का, अगर फेस ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ हो तो उसमें कैसे अप्लाई कर पाते हैं, आपको लिप्स किस टाइप से दिखते हैं। हालांकि देखो लिप्स हमेशा अलग अलग आदमी के अलग अलग शेप के होते हैं, तो उस पर हम इस लिप्स पे ये डिपेंड या ये जज नहीं कर सकते कि सबके लिप्स ऐसे ही होंगे। अब लिप्स प्रॉपर जो जगह थी वो हम लोग इस स्ट्रक्चर में देख चुके हैं, आप फिर से इसको ट्राई कीजिए, जो पार्ट वन डाला था हमने इस पोर्ट्रेट सीरीज़ का, तो आप उसके पार्ट वन में जाके देखिए कि कहाँ पे लिप्स आ रहे हैं प्रॉपर, तो उसमें बिठाने का ट्राई कीजिए। अभी देखते हैं, जब ऊपर की ये, सॉरी पहले डाउन की तरफ देख लेते हैं, पहले जब फेस डाउन हो बंदे का, ये डाउन, तो लिप्स कैसे काम करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले एक राउंड सर्किल लीजिए एंड थोड़ा सा वो राउंड लेना है, इसमें एक लाइन निकाल देते हैं, इसको लाइट रखते हैं कहीं अपने, एंड ये सब चीज़ें अप्लाई करनी है। ये कभी सीधी लाइन में नहीं आएंगे क्योंकि फेस एक राउंड सर्किल है, हमने पहले देखा था कि राउंड पर फेस बना हुआ है, तो ये इसके चारों साइड गोल गोल घूमती हुई सब चीज़ें अप्लाई होती है। आईज है वो भी थोड़ी ऐसे ऐसे होती है, नोज थोड़ा ऐसे, तो लिप्स भी थोड़े ऐसे गोल होएंगे। सो अगर फ्रंट पे सामने रहेंगे, अगर साइड में है, जैसे ये बंदे ने नीचे देख रखा है, नीचे की साइड,
तो उसके टाइम ये जो लाइन है बीच की इस हिसाब से ऊपर रहेगी लाइन, इस हिसाब से दोनों लाइन के किनारे ऊपर की तरफ उठे हुए रहेंगे। इसको ट्राई कर लेते हैं एंड इसको भले ऊपर के पार्ट को, लिप्स में हमेशा ऊपर का पार्ट डार्क होता है, लाइट सेट के अंदर नीचे का लाइट होता है। एंड आप अगर नीचे वाले को कंप्लीट ना करें तो भी चलता है। तो ये तो हो गया डाउन, अभी देखते हैं अप में। अगर ऊपर उठा हुआ बंदे का फेस तो किस हिसाब से देखते हैं, जस्ट इसके अपोजिट कर देते हैं। एक सर्किल मैंने ले लिया, थोड़ा थोड़ा सा मतलब ये लाइन है उस हिसाब से थोड़ी घुमाई हुई है एंड जस्ट वही चीज़ें अप्लाई करनी है। अभी इसमें थोड़ा साइड में आ गया मेरा एंड ये ऊपर उठा हुआ तबका है, तो आप इस चीज़ को करके ट्राई करें और अच्छे से समझ पाओगे। सो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि लिप्स को कैसे आते हैं। तो आप इसको लिप्स को हमारा लिप्स पार्ट हो चुका है, आईज हो चुका है, नोज हो चुका है, तो आज आप उसको जो पोर्ट्रेट सीरीज थी उसके पार्ट वन के अंदर जो हमने स्ट्रक्चर दिया था उस पर इसको अप्लाई करें, फिर देखें। अभी पीछे रह रहे ईयर, सो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे।